तो इस वीडियो में मैं आपको कोडक बैंक क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। और आज जो डेट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। आज हो रहा है 5 फरवरी 2024 का दिन है। और जैसा कि आपको पता है कि पेटीएम का जो कुछ सर्विसेज है वो RBI के द्वारा बैन किया गया है, तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि 29 फरवरी से पहले, यानी कि अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है, तो क्या उसमें हम क्रेडिट कार्ड का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेटीएम की हेल्प से या नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ जो है वो बैंक अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पेटीएम अप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे नीचे रेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो ऊपर में आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी देख सकते हैं पेटीएम की तरफ से है, योर पेटीएम ऐप इज वर्किंग एंड विल कीप वर्किंग एज यूजुअल बियॉन्ड फरवरी 29, 2024। तो जैसा कि आपको पता है कि RBI के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे जो है वो न्यूज आ रहे हैं पेटीएम के बारे में कि पेटीएम बंद हो जाएगा, काम करेगा या नहीं करेगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि 29 फरवरी के बाद भी जो है आपके पेटीएम जो है वो वर्क करेगा। बाकी इसके कौन कौन से सर्विसेज चालू रहेगा, कौन कौन सा बंद होगा, ये तो 29 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी 5 फरवरी हो रहा है और आज मैं बैंक अकाउंट में अपना क्रेडिट कार्ड का अमाउंट ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। ये कोडक बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ से सिंपली मैं रेंट ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि सर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेंट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे रेंट पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे हाउस रेंट पे क्लिक कर लेना है, और जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपने बैंक अकाउंट के अलावा किसी भी बैंक अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो वाला बैंक अकाउंट डाल दें यहाँ पे। जैसे आप डालेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो सेव हो जाएगा। मेरा पहले से सेव है, तो मैं यहाँ पे पे क्लिक कर देता हूँ। जो मेरे बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ वो 12,000 रुपये ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैंने 12,000 यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे कैशबैक के लिए कोई है तो देखता हूँ, फिलहाल तो कोई भी नहीं क्योंकि 15,000 से ऊपर भी ही कैशबैक आ रहा है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो HDFC का क्रेडिट कार्ड है उसमें भी 294 रुपये दिखा रहा है। और इसके बाद मेरा जो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसमें भी 294 रुपये दिखा रहा है 12,000 रुपये चार्ज। और अगर मैं कोडक बैंक की बातें कर लूँ, कोडक बैंक में भी 294 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितना परसेंट चार्ज जो है वो बैंक करता है फिलहाल फरवरी 2024 में, अगर क्रेडिट कार्ड से अपना अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट में पेटीएम की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं OTP आ चुका है, और OTP को मैं यहाँ पे सिक्योरली पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं पे सिक्योरली पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड है उससे 12,294 रुपये कट जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 12,294 रुपये जो है वो कट हो चुके हैं मेरे कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो अभी मैं आपको जो हूँ, और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कुछ टाइम का जो है वो ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ही मिनट में, 1-2 मिनट में आपके जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे डाला था, आप अपने खुद के बैंक अकाउंट के अलावा, चाहे वो रेंट जो ऑनर है यानी कि रूम का जो ऑनर है, चाहे आप उसके बैंक अकाउंट डाले हो या फिर आपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर का डाला हो, उसमें जो है वो चला जाता है 1-2 मिनट के अंदर। तो अब मैं आपको चार्जेज दिखा देता हूँ कि कितना चार्ज हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे से 294 रुपये चार्ज किया था पेटीएम ने जब मैंने ट्रांसफर किया था 12,000 रुपये। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 12,000 से डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। तो आप देख सकते हैं पेटीएम जो है फिलहाल 2.45% जो है क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कट कर रहा है। तो ये तो 294 रुपये क्रेडिट कार्ड ने कट किए थे, सॉरी पेटीएम ने कट किए थे। अब कोटक बैंक भी चार्ज करेगा 1% का। तो 12,000 का 1% कितना हो जाएगा, 12,000 का 1% सिंपली 120 रुपये हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ, 120 रुपये हो गया। और 120 रुपये पे जो है 18% का GST भी लगेगा। तो मैं 18% का GST भी निकाल लेता हूँ, तो 18 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा तो 21 रुपये 21 रुपये 60 पैसे का जो है वो GST चार्ज होगा। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 22 रुपये मान लेता हूँ। तो 22 रुपये ये हो गया। इसके बाद 120 रुपये जो है वो बैंक ने चार्ज किए थे,
₹120 बैंक ने और प्लस ₹294 पेटीएम ने चार्ज किए थे। अगर मैं 12,000 अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ क्रेडिट कार्ड से, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, मैंने अभी सबका ऑप्शन आपको निकाल के दिखाया था, किसी भी क्रेडिट कार्ड हो तो सब पे ही एक दो क्रेडिट कार्ड छोड़ करके जिसमें रेंट पेमेंट पे चार्ज नहीं करते हैं, बाकी सारे क्रेडिट कार्ड में आपको जो है इस हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। मेरे ₹436 ऑल ओवर चार्ज कटे, तो ऑल ओवर अगर ₹436 12,000 पे है तो मैं इसका ऑल ओवर आपको जो है 436 में एक बार और लिख देता हूँ, 436 और डिवाइड बाय 12,000 पे मुझे टोटल चार्ज किए गए हैं। तो सॉरी मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, 436 डिवाइड बाय 12,000 और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो देख सकते हैं आपको 3.63% का ओवरऑल चार्जेस जो है क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करने पे कट होता है। तो ये है टोटल चार्ज सारा, यानी कि बैंक का चार्ज, पेटीएम का चार्ज, जीएसटी मिला के सारा चार्ज मिला करके आपको 3.63% का चार्जेज कट होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।